नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के करनाल से एक बार फिर से कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। नशा तस्कर गुलजार, जिसकी प्रॉपर्टी सैदपुर में भी पहले तोड़ी गई थी, अभी जेल में बंद है और ये प्रॉपर्टी बताया जा रहा है कि उनकी वाइफ के नाम पर है, जिसका नाम किरण बताया जा रहा है। जी हाँ, फिर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो आगे सर्विस सेंटर है उसको फिलहाल जो है वो तोड़ा जा चुका है और उनकी आप देख सकते हैं जो महिला है वो कार्रवाई का विरोध करती हुई भी जरूर नजर आ रही है। जी हाँ, परिवार के सदस्यों द्वारा जो है कार्रवाई का यहाँ पर विरोध भी किया जा रहा है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि फिर से जी हाँ फिर से जो है दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया गया है और लगातार हरियाणा में कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अगर बात की जाए तो महिलाओं द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। जी हाँ, महिलाओं द्वारा इसका विरोध भी जो है वो किया जा रहा है। एक बार फिर से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। एक बार फिर से जो कार्रवाई है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शुरू कर दी गई है। जी हाँ, वो कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है और ये शटर आप देख सकते हैं वो तोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात आपको दिखा दें कि किस तरीके से जो सारी दुकानें हैं वो तोड़ी जा रही है। जी हाँ, सारी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर तोड़ी जानी है। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई जो है अपने आप में की जा रही है। नशा तस्कर गुलजार जो बताया जा रहा है, जिसकी प्रॉपर्टीज पर जो है ये कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये कार्रवाई जो है हरियाणा में वो अमल में जो है वो लाई जा रही है। जी हाँ, लगातार हरियाणा में ये कार्रवाई जो है वो अमल में जरूर लाई जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा सामान जो दुकान का है वो बाहर जरूर निकाल लिया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से जो है जो दुकान है, पहले साइड वाली दुकान तोड़ी गई, जिसके बाद अब दूसरी जो दुकान है वो भी तोड़ी जा रही है। हरियाणा के करनाल में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है, चाहे प्रॉपर्टीज की बात हो, चाहे नशा तस्करों की प्रॉपर्टी हो, गैंगस्टर की प्रॉपर्टी हो, वो तोड़ी जा रही है। जो बताया जा रहा है किस तरीके से कि नशा तस्कर, जी हाँ नशा तस्कर गुलजार है, उसकी प्रॉपर्टी है जिसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको यहाँ पर जो है तोड़ा जा रहा है और कार्रवाई, जी हाँ एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो सभी जो उसकी दुकानें हैं उसको तोड़ा जा रहा है, वो जेल में बंद है और परिवार द्वारा इसका विरोध भी जो है किया जा रहा है। ये देख सकते हैं सारी दुकानें जो है वो तोड़ दी गई हैं। जी हाँ, सारी दुकानें जो है वो तोड़ी जा रही है, सारी दुकानें जो है वो तोड़ी जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि जो गुलजार है वो फिलहाल जेल में बंद है, उनकी जो पत्नी है किरण उसके नाम पर जो है ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है। सैदपुर मेहता फार्म के पीछे भी एक बड़ी कार्रवाई जो है की गई थी और हरियाणा सरकार ने ये बिल्कुल जो है साफ कर दिया है कि अब जो है किसी भी तरीके से जो नशा तस्कर या फिर गैंगस्टर है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी सारी जो दुकानें उसको तोड़ दिया गया है। जी हाँ, सारी दुकानों को तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं जो सारी दुकानें हैं उसको किस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है पूरी तरीके से जो है ये दुकानों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, लगातार हरियाणा में जो है वो पीला पंजाब चलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। जी हाँ, लगातार हरियाणा में जो है पीला पंजाब चलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि ये देखिए किस तरीके से जो भी दुकानें थी, ये करनाल के प्रेमनगर का इलाका लगता है जहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो नशा तस्कर गुलजार, जी हाँ उसकी जो है ये सभी दुकानें बताई जा रही हैं जिसको तोड़ा जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि DTP RS भाट जो है वो मौके पर आपको जरूर नजर आ जाएंगे, DTP RS भाट। और ये देखिए कि किस तरीके से जो सभी दुकानें हैं उसको तोड़ा जा रहा है, जो इस पर रेंट पर थे उनका सामान जो है फिलहाल बाहर जरूर निकाल दिया गया है। जी हाँ, Thank you.
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरी दुकानें हैं उनको तोड़ा जा चुका है, जी हाँ, ध्वस्त किया जा चुका है। और लगातार गैंगस्टर और नशा तस्कर की प्रॉपर्टीज पर इस तरीके की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि साफ तौर पर हरियाणा सरकार ने ये साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, जिसकी भी प्रॉपर्टीज है जो है वो तोड़ी जा रही है। जी हाँ, तोड़ी जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं जो आगे की तरफ वॉशिंग सेंटर था और दो जो है दुकानें बताई जा रही हैं वो यहाँ पर तोड़ी जा रही हैं। जी हाँ, वो यहाँ पर तोड़ी जा रही हैं। हरियाणा के करनाल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिलहाल। और अगर बात की जाए तो पहले भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जो है वो करनाल में अब की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि किस तरीके से जो प्रॉपर्टीज है उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। जी हाँ, ये प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तोड़ी जा रही है। लगातार हरियाणा में करनाल, जी हाँ, हरियाणा के करनाल से जो है ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहाँ पर लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है गैंगस्टर और नशा तस्कर, जी हाँ, जिनके ऊपर तमाम। और ये देख सकते हैं पूरा लेंटर जो है वो खत्म हो चुका है। जी हाँ, पूरा लेंटर जो है वो खत्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा लेंटर जो है वो टूट चुका है। और फिलहाल आप ये भी देख सकते हैं कि फिलहाल तमाम जो लोग हैं, पुलिस बल, दल बल और तमाम लोग जो है यहाँ पर जरूर मौजूद हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी हाँ, कार्रवाई जो वो की जा रही है। और दो दो पीला पंजा, दो दो पीला पंजा, दो दो जेसीबी चलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के करनाल में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। बड़ी कार्रवाई अगर आप बात की जाए, किरण वाइफ ऑफ गुलजार जो नशा तस्कर है, जेल में बंद है, उसकी ये दुकानें हैं, उसकी ये प्रॉपर्टी है जिस पर ये कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है तोड़ दी गई है। जी हाँ, तोड़ दी गई है। एक सर्विस सेंटर था और आगे दो दुकानें थी जो रेंट पर थे, उनका सामान आप देख सकते हैं कि सारा सामान जो है वो फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। सारा सामान जो है वो बाहर निकाल लिया गया। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा में जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि जो डीटीपी हैं, डीटीपी आरएस भाट जो है, आपको मौके पर जो है वो नजर आ जाएंगे कि किस तरीके से खड़े हैं। और सीआईए टू इंचार्ज, इस पूरी कार्रवाई में अगर बात की जाए तो उनके सर पर जो है चोट लगी है, जो पीले पंजे की नोक बताई जा रही है कि उनके सर पर थोड़ी सी लगी है, वो घायल हो जाते हैं, उनके सर से खून निकलना शुरू कर देता है, जिसके बाद उनको पुलिस की गाड़ी में डालकर अस्पताल मौके से ले जाया गया है। जी हाँ, एक बड़ी कार्रवाई। और अगर आप बात की जाए तो ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं, जहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं उस तरफ जो है कुछ होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, वो आपको जरूर दिखाएंगे कि क्या कुछ जो है वहाँ पर फिलहाल हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो घर है उसको फिलहाल गिराया जा चुका है, पूरे तरीके से जो घर है उसको यहाँ पर तोड़ा जा चुका है। और ये जो दुकानें हैं, दो दुकानें बताई जा रही हैं और एक जो है वो सर्विस सेंटर जो है वो बताया जा रहा है। जी हाँ, सर्विस सेंटर भी इसमें बताया जा रहा है। और कार्रवाई जो है आज की गई है। सबसे बड़ी बात जो बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार द्वारा लगातार जो है ये कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, लगातार यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पूरी तरीके से इस घर को भी, सॉरी, इन दुकानों को जो है वो तोड़ा जा चुका है। एक सर्विस सेंटर था पीछे की तरफ, हालांकि बताया जा रहा है कि घर भी है। और ये देखिए कि प्रेमनगर, करनाल के प्रेमनगर इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जो है फिलहाल किस तरीके से जो घर है, जो दुकानें हैं उनको तोड़ा जा चुका है। और लगातार ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है, चाहे वो हरियाणा सरकार की बात हो। अब जो है इसी चीज पर लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है और पूरा घर जो है वो तोड़ दिया गया है। मौके पर डीटीपी आरएस भाट जो है वो भी पहुंचते हैं और सीआईए टू इंचार्ज पहुंचते हैं, जो घायल हो जाते हैं। जी हाँ, सीआईए टू इंचार्ज जो है इस पूरी कार्रवाई में जो है घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भी पहुँचाया जा चुका है। और जो दुकानें हैं उनको तोड़ा गया है। एक सर्विस सेंटर जो है इसमें बताया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं जो पुलिस बल है और आसपास के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जो है मौजूद हैं। और डीटीपी की बात की जाए, डीटीपी आरएस भाट वो भी मौके पर हैं। और सीआईए की टीम की बात की जाए, साथ साथ पुलिस दल बल की बात की जाए, वो मौके पर हैं। फिलहाल आप
अगर आप मानते हो कि ये कार्रवाई जरूरी है करनाल के रेजिडेंट्स के लिए और करनाल के शहर के लिए तो ये ऐसे ही चले। धन्यवाद सर। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सर्विस सेंटर है उसके साथ जो दो दुकानें हैं उनको यहां पर तोड़ दिया गया है। जी हां, उनको यहां पर तोड़ दिया गया है और अब जो है कार्रवाई कर जाती हुई जरूर नजर आ रही है, चाहे वो पुलिस की बात हो चाहे वो जेसीबी की बात हो, वो यहां पर जरूर जो है हटा दी गई। और आपको ये भी बता दें कि यहां पर जो सर्विस सेंटर है उसको फिलहाल तोड़ा गया। और साथ साथ ये बता दें जो नशा तस्कर, जी हां नशा तस्कर गुलजार बताया जा रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी पर पहले भी कार्रवाई की गई और अभी फिर से कार्रवाई की गई है और हरियाणा सरकार इस बार सख्त रुख करती नजर आ रही है। चाहे वो नशा तस्कर हो चाहे वो गैंगस्टर हो, उनकी प्रॉपर्टीज पर इस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर जो है ये कार्रवाई की जा रही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जो यहाँ पर सर्विस सेंटर था और साथ में जो दो दुकानें थी उनको यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। ये पूरी प्रॉपर्टी जो है किरण के नाम पर बताई जा रही है, जो गुलजार की पत्नी है। जी हाँ, जो गुलजार की पत्नी, और गुलजार इस वक्त जेल में बंद है। गुलजार नशा तस्करी के बहुत से मामलों में जेल में बंद है और जेल में बंद है। उसी के साथ साथ ये भी बता दें कि हरियाणा सरकार के सख्त आदेश है कि जो गैंगस्टर है, जो नशा तस्कर है, जिनके ऊपर दर्जनों मामले जो है वो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो ध्वस्त कर दी जाए। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को लगातार आप शेयर जरूर करते रहे। इसके ऊपर अगर बात की जाए तो ये मामला अगर बात की जाए, चाहे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री गृह मंत्री की बात की जाए, उनकी तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उस बयान यही है कि या तो नशे का कारोबार आप छोड़ दो या फिर हरियाणा छोड़ दो। अब देखने वाली बात है कि कब तक ये कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लगातार कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो असंध की बात हो, असंध में गैंगस्टर दिलेर कोटिया की प्रॉपर्टी पर जो है बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके बाद गुलजार ही नशा तस्कर जो गुलजार है उनकी सैदपुर में जो प्रॉपर्टी थी, जो दुकानें थी, उसको ध्वस्त किया गया। और आज प्रेमनगर इलाके में भी उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पर तोड़ा गया है। फिलहाल गुलजार जेल में बंद है और अब जो है हरियाणा सरकार यूपी की तर्ज पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से यूपी में बाबा का बुलडोजर चलता था वो हरियाणा में चलना शुरू हो गया। आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को लगातार शेयर भी जरूर करें। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।